केतार प्रखंड अंतर्गत लोहरगाड़ा पंचायत के कोसटिहरा गांव में मंगलवार का दिन काला दिन देखने को मिला। विदित हो कि कोसटिहरा गांव से सटे पहाड़ी में भीषण आग लगने के कारण मंगलवार को सुबह से ही ग्रामीण जनता के साथ पास पड़ोस के ग्रामीणों ने आग पर काबू पाने हेतु अथक प्रयास किया, फिर भी 5 किलोमीटर के दायरे में आग फैलने के कारण गांव में निवास करने वाले पहाड़ी से सटे ग्रामीणों का खपड़ैल घर तथा फूस के घरों में आग लगने से घरों में रखे गए शादी विवाह के सामान सहित अन्य खाद्य सामग्री तथा खलिहान में रखे गए रबी फसल जलकर खाक हो गया। इस संबंध में ग्रामीण राजेंद्र राम, सुनेश्वर राम, भरत पासवान, लालधारी राम, अशरफी राम, मुंशी पासवान, सुदर्शन राम, तपेश्वर राम, अरुण पासवान, तुलसी राम, विनय पासवान, विजय पासवान, सुनैना देवी, आशा देवी, रेखा देवी, लीलावती देवी, मैना कुमारी, चंचला देवी, प्रेमन पासवान सहित 5,500 ग्रामीणों ने बताया कि पहाड़ी में आग लगने से आग फैलते हुए हम लोगों के घर तक आग पहुंचा। आनंद फानंद में घर में बंधे गाय, बकरी, बैल को किसी तरह से उनको तो हटाया गया, पर आग हम लोग के खपड़ैल मकान सहित झोपड़ी को जलाकर राख कर दिया। हम सभी ग्रामीणों के द्वारा आग लगने की घटना को संबंधित अधिकारियों को सूचना दिया, पर मौके पर आग लगने के 6 घंटे बाद आला अधिकारी पहुंचे, पर आग को बुझाने के लिए दमकल की गाड़ी जिला मुख्यालय से दूर होने के कारण शाम 4 बजे एक कार्य स्थल पर पहुंचा। लेकिन आग लगने की खबर पर सड़क निर्माण करा रही कंपनी शेखर कंस्ट्रक्शन हरिहरपुर के द्वारा टैंकर सहित 10 कर्मचारियों को मौके पर भेजकर आग बुझाने में सुबह से ही प्रयास करता रहा। इस कंपनी के प्रयास से कुछ स्थानों पर काबू किया जाता रहा, फिर भी पहाड़ी क्षेत्र के चलते पानी का टैंकर हर जगह नहीं पहुंच सका। उपयुक्त ग्रामीणों ने बताया कि हम सभी ग्रामीणों को मिलाकर 8 से 10 लाख रुपए की फसल सहित आर्थिक क्षति होने की बात कही। आग लगने के पीछे पहाड़ों में महुआ के पेड़ के फल को इकट्ठा करने हेतु सफाई करने में आग लगी और यह आग सुबह से तेज हवा चलने के कारण देखते ही देखते आग पहाड़ी सहित पहाड़ी से सटे ग्रामीणों के घरों तक आग जा पहुंची। इस घटना के पीछे वन विभाग के कर्मी की लापरवाही की वजह से यह आग पर काबू नहीं पाया जा सका। इसी क्रम में आग को फैलता देखकर सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण घर से भागकर अपनी जान बचाते हुए मुख्य सड़क पहुंचकर बेबस एवं लाचार दिखे। मौके पर डीएफओ गढ़वा श्री बंशीधर नगर अनुमंडल पदाधिकारी जयवर्धन कुमार, केतार प्रखंड विकास पदाधिकारी नितेश भास्कर, रेंजर अजीत सिंह, केतार के पाचाडूमर थाना से पीएसआई कृष्णा उराव, संजय हेम्ब्रम, एएसआई अरुण कुमार यादव, धनेश्वर मोची, केतार प्रखंड के जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। समाचार लिखे जाने तक घर के आसपास आग पर काबू पाया जा चुका था, पर पहाड़ी में आग पर काबू पाने की कड़ी मशक्कत की जा रही है। हुआ है ये नुकसान के बारे में भी हम कुछ बात करेंगे। क्या क्या नुकसान, क्या क्या यहाँ पे क्षति हुआ है? क्षति मेरा इस जगह पर लड़का की शादी करना था, कुछ गाना था और क्या कपड़ा लता थाना लेकर के रखे थे जी। चौकी था जी, बर्तन कुछ था, ये सब पूरा जल गया मेरा। आग कब लगा था ये? आग लगल है करीब 11 बजे के आसपास, हमको जानकारी मिला, हम नहीं थे गाँव पर जी। और हमारे घर में 5 लोग भी नहीं थे, 12 बजे 12:30 बजे हम लोग आए, देखे पूरा जल गया। कि आग अभी भी जंगल में काफी लगा हुआ है, हम कैमरामैन से कहेंगे कि वहाँ पे भी दिखाया जाए कि आग कहीं ना कहीं अगर आग को सही समय नहीं बिताया गया तो ये दूसरा रूप भी ले सकता है। और इन लोग का रहने का आसियाना भी खत्म इसलिए है कि यहाँ बगल में ही सोन नदी पड़ता है, करीब यहाँ पे देख रहे हैं कि 200 मीटर की ही दूरी पर एक सोन नदी है, जिसके चलते लोग झोपड़ी नुमा घर बना करके लगभग सोचा जाए या देखा जाए तो फॉरेस्ट विभाग का ही जमीन पड़ता है, जिसमें लोग झोपड़ी बना करके रहते हैं, जिंदगी अपना यापन करते हैं। यहाँ पे हम एक और से बात करेंगे जो जलने की सूचना पर आप यहाँ पे आए हुए हैं जी। कम से कम दर्जनों झोपड़ी यहाँ पे जलने की सूचना है, इसमें आपका क्या पहल रहा है? यहाँ पे जो भी झोपड़ी थी, जो सूचना मिली है, वन भूमि पे अतिक्रमण करके बनाए गए थे, तो निजी जमीन नहीं, सरकार की जमीन, छोटी छोटी झोपड़ियाँ लगी थी। और यहाँ पे जो आग लगने का मुख्यतः कारण नोन नहीं है, लेकिन जनरली जहाँ क्योंकि टॉप से आग लगी है, लोग महुआ बीचने के चक्कर के कारण जो है आग लगी होगी जी। यहाँ के ग्रामीण का सर आरोप है कि काफ़ी विलम्ब करके यहाँ दमकल फायर ब्रिगेड और दमकल कर्मी यहाँ पे मौजूद आए हुए हैं। देखिए, फायर ब्रिगेड और दमकल भी इस ऊँची पहाड़ पे नहीं पहुंच पाए, जब तक वो नीचे नहीं गए। हम लोगों का अभी जो टॉप प्रायोरिटी है कि जो लोगों को नीचे वाले जो किसान जो खेतीबाड़ी किए हैं उसकी फसल बर्बाद ना हो, और जब टॉप पे जब आग लगती है तो टॉप से नीचे ऊपर पहुंचना दमकल को संभव है नहीं। तो हम लोग जो ट्रेडिशनल मेथड है झाड़ी से साफ करवा के, हम लोग उसी तरीका से करवाए जी। फिर भी यहाँ के लोगों को जो नुकसान है इसको कैसे भरपाई किया जा सकता है? नुकसान अभी जैसे हम लोग झोपड़ी का पता चला है, उन्होंने अतिक्रमण करके वन भूमि पे बनाया हुआ था, जैसे SDM साहब बता रहे थे कि अगर हम लोग उनको पशु शेड्यूल को उपलब्ध करवा दें जी। थैंक यू।